हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ अपनी वीडियो में क्लास टेंथ के ट्रायंगल चैप्टर को डिस्कस करेंगे और आज हम आपको ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड बीपीटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, वो अपनी वीडियोज में आपके साथ में शेयर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी के बारे में कुछ बात करते हैं। सिमिलैरिटी क्या होती है? जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, तो कॉन्ग्रुएंसी में हम टू फिगर्स को एग्जैक्टली सेम लेते हैं। मींस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू पॉलीगन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड वी से दैट दीज पॉलीगन्स आर द कॉन्ग्रुएंट, देन द ट्राइंग द साइड्स एंड द एंगल्स, ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स शुड बी इक्वल। लाइक इफ वी टॉक अबाउट टू ट्राइंगल with the sides 3, 4 and 5 and we have the other triangle with the same measurements of the sides 3, 4 and 5, then we can say these two triangles are congruent. Why? Because all the sides are equal and all the angles are also equal. ये आपने previous classes में हमने पढ़ा है पहले ही। क्लास हमने 7th में पढ़ा था, देन क्लास हमने 9th में भी हमारे पास ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर था। अब हम स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इज कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू क्लास 10th। एंड इन सिमिलैरिटी यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड इफ यू और यू हैव एन अ पिक्चर, लेट अस सपोज यू हैव अ पिक्चर और इफ यू डू द जूम इन जूम आउट इन दिस पिक्चर, ओके, सो द अपीयरेंस ऑफ द पिक्चर इज सेम बट द साइज will less or more, साइज उसका ज्यादा कम हो सकता है बट जो उसकी अपीयरेंस होगी, उसका जो रेशियो होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उनको हम ये बोल सकते हैं कि उनकी अपीयरेंस सेम होती है, वो देखने में एक जैसी होती है, बट ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट छोटी हो और दूसरी ऑब्जेक्ट बड़ी हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फिगर्स की, तो जैसे कि मेरे पास एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल बनाया और ये मैंने एक दूसरा बड़ा सर्कल बना दिया। ये मेरा ए सर्कल है और ये मेरा बी सर्कल है और ये मेरा सी सर्कल है, ओके। सो इस वाले सर्कल की जो मैंने रेडियस लिया है, लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर है और इसकी मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया और इसका मैंने लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो जो मेरा ए और सी है ये तो बिल्कुल एक जैसे है, इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। अगर मैं सी को उठा के ए के ऊपर रख देती हूँ तो हमें ए दिखेगा नहीं, वो उसको पूरी तरह से कवर अप कर लेगा, पूरी तरह से उसे ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ए और सी है, वी कैन से दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट इफ यू टॉक अबाउट दी ए एंड बी, अगर मैं ए को पिक्चर लूँ से थोड़ा जूम कर दूँ तो यहाँ पे ए जो है वो बी के जैसा बन जाएगा, मतलब इसको 2x कर दूं, डबल कर दूं इसका साइज, तो इसका मतलब ये है कि ये सिमिलर तो है बट ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर मैं एक उठा के बी के ऊपर रखूं तो ओवरलैप नहीं करेगा। इट मींस दीज टू फिगर्स आर सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके। सो वी कैन से ए इज सिमिलर टू बी और सी इज सिमिलर टू बी। ए इज ऑल्सो सिमिलर टू ए, मीन्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑल्सो सिमिलर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सिमिलर फिगर्स are congruent. Understand? It means we can say the first point is all congruent figure are similar, but all similar figures are not need to be not be congruent. Okay, it means जितने भी आपके similar figures हैं वो ये जरूरी नहीं है कि अगर two figures हैं वो similar हैं तो वो congruent होंगी, but अगर दो figures हमारी congruent हैं तो definitely वो similar भी होंगी ही होंगी, okay। So जितनी भी हमने congruency अभी तक पढ़ी थी वो सारे figures similar भी थे, okay। और अभी जो हम पढ़ेंगे similarity, उसमें जरूरी नहीं है कि वो figures congruent भी हों, ओके। सो एक कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चल गया सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस जो हम कह सकते हैं, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट सिमिलैरिटी मोर। इन सिमिलैरिटी इफ वी टॉक अबाउट द पॉलीगन्स,
पॉलीगन्स की अगर हम बात करते हैं तो जो पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगन्स आपको पता है क्या होती हैं, फिगर होती हैं जिन जो कि साइड से बने होते हैं, लाइक ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑल आर द पॉलीगन्स. सो इफ वी टॉक अबाउट द पॉलीगन्स, इफ वी हैव टू पॉलीगन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स, देन वी कैन से द पॉलीगन्स आर सिमिलर ओनली when their corresponding angles are equal, the corresponding sides are in the same proportion or the same ratio. Means if we have two triangles, let us suppose we have one triangle, this one, and the other triangle, this one. Okay, so let us suppose the sides are 3, 4 and the 5, and the sides of this triangle be 6, 8 and 10. Okay, and this one is your 90. This one is your 30 and this one is your 60. This one is also 30, 60 and 90. Let us suppose, I just take an example. Okay, so if we see in these two figures, then we can recognize that the ratio of the sides are the same. Means if we take about like this is the triangle ABC and this one is PQR. And we take a, first of all, we'll see the angle of this is 90 and 90, 30, 30, 60, 60. All the angles are equal. And if we take the sides and the ratio of the sides, AB upon PQ is equal to 3 upon 6, which we can write like 1 upon 2. And BC upon QR is equal to 4 upon 8, which we can also write 1 upon 2. And AC upon PR is also 5 upon 10, which we can also write 1 upon 2. So we can see over here, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. तो जो हमारे sides हैं, उनकी जो ratios हैं, वो same हैं. अगर हम दोनों triangles की sub sides लेते हैं, corresponding sides लेते हैं, तो उनका जो रेशियो है वो सेम है, प्रोपोर्शन है, और सारे एंगल्स भी हमारे इक्वल है. तो अगर हम एंगल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एंगल जो ए है मेरा, दैट वन इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी जो है दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. ओके, ध्यान रखना कि जब हम कॉन्कर्रेंसी की बात करते थे तो एंगल्स तो इक्वल होते थे बट साइड्स भी इक्वल होती थी. बट यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शन में है. प्रोपोर्शन मीन्स उनका रेशियो सेम है. तो इस कंडीशन में हम ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, हम बोलेंगे सिमिलर. और सिमिलैरिटी का जो सिंबल होता है, मैंने अभी यहाँ ऊपर भी बनाया था सर्कल के लिए, सिमिलैरिटी में हम सिर्फ एक लाइन बनाते हैं. ओके, सिमिलर. सो वी कैन राइट लाइक दैट, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल. अब यहाँ पे भी जो हम कॉन्ग्रुएंसी में करते थे ना, करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखते थे, तो यहाँ पे भी हम करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखेंगे. मीन्स जैसे एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे ए की जगह पे पी को ही प्लेस करेंगे. बी जो है वो क्यू के इक्वल है तो क्यू, एंड सी जो है वो आर के इक्वल है तो आर. तो ये मेरा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. इफ वी टॉक अबाउट द सिमिलैरिटी मोर, देन वी कैन से ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, all the squares are similar to each other, all the equilateral triangles are similar to each other. Means जितने भी आपके circles हैं वो आपस में एक दूसरे के similar होते हैं. क्यों? क्योंकि वो figures का ratio तो same ही रहेगा ना, उसमें कोई edges तो होते ही नहीं है. वैसे भी zoom in zoom out करने पर सारे circles एक दूसरे के जैसे हो सकते हैं, similar होते हैं. अगर आप बात करते हो equilateral triangle की, तो equilateral triangle की सारी sides equal होती हैं और सारे angles भी equal होते हैं, all angles are 60. तो अगर हमें दूसरा equilateral triangle लेती तो उसके भी सारे angles क्या होंगे, 60 ही होंगे. sides का ratio भी same ही आने वाला है, क्योंकि अगर let us suppose एक equilateral की सारी sides 2-2-2 हैं और second वाले के 6-6-6 हैं, तो सबका 1/3 1/3 ही ratio आएगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस स्क्वायर, तो स्क्वायर के ऑल एंगल 90 होते हैं, दूसरे स्क्वायर के भी ऑल एंगल 90, तो एंगल्स तो इक्वल ही हो गए. अगर हम साइड्स की बात करते तो ऑल साइड्स भी इक्वल होती हैं. तो अगर एक की साइड मैंने 1-1-1-1 ले ली और दूसरे की 2-2-2 ले ली, तो 1/2 ही आने वाला रेशियो. सो वी कैन से दैट थ्री फिगर्स, विच वन, फर्स्ट इज स्क्वायर, ऑल द स्क्वायर ऑल, सेकेंड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल,
एंड थर्ड इज सर्कल्स. और भी फिगर्स हो सकते हैं. ये ऑल सर्कल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑल दी स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ओके, नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट द सिमिलैरिटी. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट कि जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं या फिर कोई भी पॉलीगन सिमिलर हो सकते हैं, बट द ओनली कंडीशन इज दैट इफ वी टॉक अबाउट द पॉलीगन्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स. ध्यान रखना, वी कैन कंपेयर ऑन द सेम नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, दिस पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज their corresponding angles are equal. Okay, so their corresponding angles are equal. जैसे अभी हमने ट्राइंगल की बात करी तो इनके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए. अगर कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं तो उनके भी सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए. अगर हम दो कोई भी पेंटागन ले रहे हैं तो उनके भी सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, जिन्हें हम रेगुलर पेंटागन भी बोलते हैं. ऑल द एंगल्स आर इक्वल, साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन. साइड्स कैसी होनी चाहिए? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया. फर्स्ट पॉइंट है करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल. इफ दीज टू कंडीशंस are fulfilled by any two polygons with the same number of sides, then only we can say the polygons are similar to each other. Okay, ध्यान रखना, जब congruency की बात होती थी तो वहाँ पे sides proportion नहीं चाहिए होती, sides equal चाहिए होती थी. यहाँ पे sides proportion चाहिए और angles तो दोनों ही cases में सभी equal चाहिए हमको. ठीक है, तो अभी आपको clarity हो गई होगी कि similar figures क्या होती हैं. Similar figures वो होती हैं जिनमें उनकी appearance same होती है but वो ओवरलैप करें. वो जरूरी नहीं है, एक का साइज छोटा एक का बड़ा हो सकता है. और अगर हम बात करते हैं पॉलीगन्स की तो उनमें सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन. और इफ वी टॉक अबाउट द ट्रायंगल व्हिच इज आल्सो अ पॉलीगन विद थ्री नंबर ऑफ साइड्स, देन ऑल द एंगल शुड बी इक्वल एंड द साइड शुड आल्सो बी इन प्रोपोर्शन. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स, वी हैव सम क्राइटेरियाज. लाइक जैसे हमें करस्पॉन्डेंस में हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते थे ना, कि हम कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं वो कब सिमिलर प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. इसी तरह हम सिमिलैरिटी के लिए भी हमारे पास कुछ क्राइटेरिया. बात करते हैं ट्रायंगल्स के लिए. ठीक है, सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स हम बात करते हैं. अब स्पेसिफिकली हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे क्योंकि अभी जो इस चैप्टर में आपको क्लास टेंथ के इस चैप्टर में दिया है वो सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स ही है. ऑल द फिगर्स पे बेस्ड आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 और जो मैंने आपको भी समझाया है 6.1 टोटली उसी पे बेस्ड है, आप वो कर सकते हो. ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं. तो अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, कब कब दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द कंडीशंस आर, व्हाट आर द कंडीशंस? इफ नंबर वन कंडीशन क्या है, जो भी पहले भी डिस्कस किया है मैंने आपसे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जो पॉलीगन्स की वो है वही आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रायंगल्स की भी कंडीशन, क्योंकि ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन ना. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द सेकेंड कंडीशन इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल प्रोपोर्शन. यहाँ पे हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं सिमिलैरिटी को प्रूफ करने के लिए जब क्वेश्चंस हम करेंगे, लाइक कॉन्ग्रुएंसी. जैसे कॉन्ग्रुएंसी में आपके पास क्राइटेरिया होते थे SSS, ASA, SAS, RHS. इसी तरह सिमिलैरिटी में भी हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, बट वो मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. आप अभी इस वीडियो में हम इसके बाद में BPT या थेल्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे जो कि एक्सरसाइज 6.2 को करने के लिए जरूरी है और वो हमारी फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर की. तो स्टार्ट करते हैं. बीपीटी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बट बीपीटी और थेल्स थ्योरम जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है. एनसीईआरटी में अगर आप इस थ्योरम को कभी किसी क्वेश्चन में मेंशन करोगे तो आपको उसमें पूरा उसको डिफाइन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं आपके साथ थ्योरम डिस्कस कर लेती हूँ कि थ्योरम में हमको क्या गिवन है. इस थ्योरम में हमको गिवन है एक ट्राइंगल. लेट अस सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी. ये गिवन है हमको. अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट. मीन्स
हमने यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि BC के पैरेलल है. हमने लेट अस सपोज वो BC ले लिए साइड, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि BC के पैरेलल है. ठीक है, मैंने इस लाइन को लेट अस सपोज क्या लेट कर लिया, DE. मैंने DE लेट कर लिया. ठीक है, और ये जो साइड है ये इन दोनों साइड्स को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है पॉइंट डी एंड ई. ये हमको गिवन है. फिर हमें प्रूव करना है एंड द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो प्रूफ क्या करना है हमको, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. तो सबसे पहले मैं इसमें गिवन लिख लेती हूँ कि मुझे गिवन क्या है. तो गिवन है इसमें मुझे ट्राइंगल ए बी सी एंड अ लाइन डी सी पैरेलल टू बी सी. ये मुझे गिवन है इसमें. ठीक है, एंड अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं इस थ्योरम में, इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम में आ सकती है. मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो NCERT में जितनी भी थ्योरम्स दी होती हैं अगर उनके एंड में एक ब्लैक डॉट बना होता है तो वो थ्योरम एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो ही थ्योरम एग्जाम में आ सकती हैं. यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन हमें करनी है अ लाइन फ्रॉम ई टू ए बी, पर्पेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे हमने एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, तो मैंने इसको बोल दिया एम. और एक दूसरा मैंने पर्पेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ से, इस वाले पॉइंट से ऑन द सेम AC, तो इसको मैंने बोल दिया N. तो ये मेरे परपेंडिकुलर है. लेट अस सपोज ये वाला मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये भी मेरा परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे बता दूंगी कि मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया है. हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है अ लाइन DN परपेंडिकुलर टू AC एंड ME परपेंडिकुलर टू AB. ये दो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिए. हमें सब कुछ मेंशन करना पड़ता है कि क्या गिवन है, क्या कंस्ट्रक्शन है और क्या हमें प्रूफ करना है. तो टू प्रूव है हमारा इसमें AD अपॉन प्रोपोर्शनैलिटी से ही बोलते हैं क्योंकि हमें प्रोपोर्शन में प्रूफ करना होता है AE अपॉन EC. ओके, सो अभी मैंने ये लिख लिया है कि मुझे क्या गिवन है, क्या कंस्ट्रक्शन हमने किया और क्या प्रूफ करना है. अब हम इसका प्रूफ देखेंगे. बहुत ईजी प्रूफ है, आप एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डेफिनेटली प्रूफ आ जाएगा. इस प्रूफ में हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हमारा होगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम. ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहां से देखेंगे अगर हम इस वाले ट्राइंगल को हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन ए ई, अगर हम ए ई बेस लेते हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो डी एन हो जाएगा. यहाँ पे हम इस ट्राइंगल में क्योंकि हमारे पास दोनों अलग अलग बेस के लिए दो अलग अलग परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैसे हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया है. ठीक है, जब मेरा बेस ए डी है तो मेरी जो हाइट है वो बन गया एम ई, और जब मेरा बेस ए ई है तो हाइट बन गया डी एन. ओके, तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं इसमें. अब नेक्स्ट मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई. बी डी ई का एरिया निकाल सकते हैं. तो बी डी ई मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ. मैंने इसको ज्वाइन कर लिया यहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी को मैं लिख सकती हूँ हाफ इंटू बेस डी बी इंटू हाइट एम ई. देखिए ये ना कुछ ऐसा ट्राइंगल है जैसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है ना, ये वाला बच्चों को कई बार समझ नहीं आता स्टेप कि कैसे बन गया इसका. तो लेट अस सपोज ये हमारा कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है ना वो हमेशा आउटसाइड द ट्राइंगल बन सकता होता है. तो ये हमारा ऑल्टीट्यूड बाहर बना है, ये चीज, ये ऑल्टीट्यूड है मेरा. ठीक है, तो इसी तरह से जब मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करती हूँ बी डी ई की, तो इसमें जो ऑल्टीट्यूड है वो मेरा बाहर बन रहा है. तो जो एम ई है वो हमारा परपेंडिकुलर है बी डी पे. तो यहाँ पे इसीलिए मैंने हाफ इंटू डी बी इंटू एम ई लिया है. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस ई सी. ई सी सिमिलरली इसका भी परपेंडिकुलर बाहर है डीएन. तो ये मेरे पास, मैंने अभी चार ट्राइंगल्स के एरिया लिए हैं. एक तो एरिया लिया है ट्राइंगल ए डी ई का, जिसको मैंने दो अलग अलग तरीके से लिखा विद टू डिफरेंट बेसिस एंड ऑल्टीट्यूड, एंड द एरिया ऑफ डी ई बी एंड द एरिया ऑफ डी ई सी. ओके, सो अब हमें जो फाइंड करना है उसके हिसाब से हम आगे करेंगे इस क्वेश्चन को. यहाँ पे फिर हम अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक बार ए डी ई के साथ हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे और एक बार ए डी ई के दूसरे वाले के साथ हम ये सेम लेंगे.
तो इसमें हम एक बार लेंगे एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीबीई इज इक्वल टू एरिया, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू एडी अपॉन ईएम अपॉन हाफ इनटू बीडी अपॉन ईएम। ये वाला इक्वेशन हमने इसको वन कह दिया है, इसको टू बोल देते हैं, ये मेरा थ्री हो गया एंड ये फोर। तो ये मैंने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री, तो वन एंड थ्री को मैंने डिवाइड कर दिया है, तो यहां पे मेरा हाफ से हाफ कट जाएगा और एमई से एमई कट जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा एडी अपॉन बीडी। इसको इक्वेशन लेट अस सपोज फाइव बोल देते हैं अभी, ठीक है। तो एक बार फिर हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वेशन टू एंड फोर। तो यहां पे भी वैल्यू पुट कर देती हूं मैं ई सी इंटू डी एन, तो ये भी डीएन से डीएन कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो ये आ गया ए ई अपॉन ई सी, इसको मैं सिक्स बोल देती हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो हमारा हमने किया है इसकी जो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो जो न्यूमरेटर है वो तो इक्वल ही है। अब अगर किसी भी तरह करके डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाए तो ये पूरा का पूरा रेशियो सेम हो जाएगा, और अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड बोथ ऑफ दी आपकी जो इक्वेशन है उनका लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर सकते हैं। और आप देखोगे अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता तो हमें वही प्रूफ करना था। तो अब हम किसी तरह देखते हैं कि क्या हमारे इनके डिनोमिनेटर भी इक्वल हो सकते हैं क्या, तो यस, क्योंकि जैसा हमने अभी करा था। तो अभी हम फिगर में देखते हैं, हमारा फिगर था इसमें डी ई बी जो है, डी ई बी और डी ई सी जो है बोथ आर, बोथ द ट्राइंगल्स आर इनक्लोज्ड विद इन द सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग द सेम बेस। आपने प्रीवियस क्लास में क्लास नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ा था कि इफ टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस सो वी कैन से द ट्राइंगल आर इक्वल इन एरिया। तो अभी मैं इसको लिख सकती हूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। यहां में रीजन मेंशन करना पड़ेगा साइड में, क्या रीजन है इसका, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरियाज, ठीक है। सो द ट्राइंगल्स इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेवन बोल देते हैं। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फाइव सिक्स एंड सेवन, फाइव सिक्स सेवन में आपको देखोगे डिनोमिनेटर बोथ ऑफ द इक्वेशन का सेम हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर पहले से इक्वल था, डिनोमिनेटर आप ऑलरेडी लिख चुके हो। तो आप लिख सकते हो एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, दैट्स इट, हो गया हमारा प्रूफ, यही बीपीटी थ्योरम थी। तो इसको याद रखना आपको, इसकी गिवन कंडीशन क्या है, इससे हम बेस अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, इस पे हमें क्या, जो गिवन इंटरसेक्टिंग लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए किसी एक साइड के, तो जो जो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के जो रेशियोज होंगे यानी कि एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये इक्वल होगा। इसका कन्वर्जन भी है कि अगर किसी तरह किसी ट्राइंगल में आपके पास रेशियो सेम है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, तो वो कन्वर्जन भी हम यूज कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कि हमने इसका प्रूफ कैसे किया था। इसमें हम एक ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल एबीसी, और जिसमें हमें एक लाइन दी थी जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एबी और एसी को एट पॉइंट डी एंड ई, और हमें प्रूफ करना था एडी इज इक्वल टू डी बी एंड ए इज इक्वल टू ई सी। अब हमने इसमें क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, ईएम हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए बी पे, और हमने डी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी पे। फिर हमें प्रूफ पता ही है क्या करना था, हमें प्रूफ करेंगे स्टार्ट। इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी जो है वो टू डिफरेंट बेस से लिख सकते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट यूज किया, एक बार मैंने बेस एडी ले लिया और हाइट एमई ले लिया, और एक बार बेस एई ले लिया और हाइट डीएन ले लिया। इस तरह से मैंने दो अलग अलग तरीके से इसके एरियाज को लिख लिया। फिर मैंने एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई लिया, हाफ इनटू बेस डी, और जो इसका ऑल्टीट्यूड है वो बाहर बन रहा है एमई। सिमिलरली हम इस वाले ट्राइंगल का भी ले सकते हैं, ट्राइंगल डीईसी का, इसका भी ऑल्टीट्यूड बाहर बन रहा है। फिर मैंने ए वन और थ्री और टू और फोर को जब डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे टू इक्वेशंस आ गई हैं। इन टू इक्वेशंस में मेरे को जो न्यूमरेटर है, जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे को जो प्रूफ करना है वो मेरे राइट हैंड साइड में मेरे को मिल रहा है।
तो अगर मैं किसी भी तरह करके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दूं तो मेरा राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा और जो मैं प्रूफ करना है वो मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो न्यूमरेटर पहले से इक्वल था, डिनोमिनेटर भी मैंने जब थोड़ा सा देखा तो मेरे को इक्वल मिल गया, क्योंकि वो जो दोनों ट्राइंगल थे जिनकी हम बात करना चाह रहे हैं वो दोनों ट्राइंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, तो उनका इक्वल एरिया होगा, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम हो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में एक्सरसाइज 6.2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे। मैं आपको 10th क्लास का पूरा सिलेबस फ्रेंड्स अपनी वीडियोस में कराऊंगी। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।